so today's topic is direction or in your book he calls it directing this is our fifth step abhi what we have done we have done planning p for planning then we learned about organizing both were the chapters of our first term now in this term we started with staffing whatever is required that persons you need to appoint and for that you have to uh, give stress upon staffing the right persons are to be appointed at the right time on the right job <laughs> and once the persons are being appointed, you just need to guide them. So when you give them instructions, when do when you guide them, when you motivate them, when you supervise them, when they are actually working, you communicate your message with them that all are the part of what directing. So D. And afterwards, we will wind up our syllabus with C that is controlling. Th so this chapter basically is directing. का मतलब क्या है टू ब्रिंग हैव हर्ड इन ऑर्डर टू मेक हैव एक्शन डायरेक्टर वी हैव द डायरेक्टर ऑफ द मूवी हु गिवस द डायरेक्शन और गाइड्स instructs देम अबाउट द सीन्स इमोशनल सीन कैसे प्रेजेंट करने हैं अपने डायलेक्ट कैसे डिलीवर करने हैं सिमिलरली यू हैव दिस इज इज कोरियोग्राफर हु डायरेक्टिंग देम अबाउट द डांस स्टेप्स एटसेट्रा तो सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हैज टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ डायरेक्टर ऑल्सो उसे अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम बताना है कि कौन सा काम कैसे करना है कब करना है सो so, जब आपका मैनेजर एम्प्लॉयज को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ गाइडेंस बताता है एट द टाइम ही इज यूजिंग विच फंक्शन डायरेक्टिंग अपने आप में हमारे सिलेबस में डायरेक्टिंग का मीनिंग है डायरेक्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंस है और उसके बाद ये चार एलिमेंट्स हैं भाई जिसमें से ये पहले वाला एलिमेंट हमारे सिलेबस में से पूरी तरह से डिलीटेड है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बट ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट तो सुपरविजन का हम कुछ नहीं करेंगे एक लाइन में मीनिंग में जरूर बता दूंगी आपको

मैनेजमेंट का तो कोई भी फंक्शन हो चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो चाहे वो स्टाफिंग था डायरेक्टिंग भी उन, उसी तरह से हमारा क्या है एक प्रोसेस है इस प्रोसेस में होता क्या है प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग काउंसलिंग वेन एवर यूर एम्प्लॉयजी डाउन इन दियर लाइफ एंडेड इन दैट केस यू जस्ट है पॉजिटिविटी अमंग उस केस में आप उनकी काउंसलिंग भी करते हो काउंसलिंग इज ऑल्सो दार्ट ऑफ यूर डायरेक्टिंग

Then directing is a continuous function. Abhi maine bataya. Throughout the life of the organization, you need this function because every time you need to guide your employees, every time you need to motivate them, every time you need to counsel them. So directing is a continuous function. You tell direction comes from top to bottom or from bottom to top? Yes. So agla feature understood here, directing flows from top to bottom. इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस और काउंसलिंग और मोटिवेशन हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स की करेंगे सो इट ऑलवेज फ्लोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो दिस इज फीचर ऑफ डायरेक्टिंग नाउ वी है चैप्टर दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस मीन्स सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस मींस नीड वाई डू वी नीड डायरेक्टिंग हमें डायरेक्टिंग की क्यों जरूरत है भाई फर्स्ट इट हेल्प टू इनिशिएट एक्शन वही वाला पॉइंट है डायरेक्शन की हमें इसलिए जरूरत है ताकि आपके वर्कर्स टाइम पे काम करते रहे ताकि आपके वर्कर्स टाइम पे गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प करें क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई जब तक उनके सर के ऊपर डंडा नहीं है वो कभी भी अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करते बिकॉज दे हैव अ फेयर कि हमारे काम की चेकिंग होनी है

हम अपने हर इंप्लॉय को बताते हैं कि यू आर इंपॉर्टेंट फॉर अस यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू ऑल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल अपलिफ्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मीन्स आप सभी अगर मिलकर काम करेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी डेवलपमेंट होगी सो इन दैट वे इट इंटीग्रेट्स द इम्प्लॉय एफर्ट्स मतलब सारे लोग मिलके काम करें डायरेक्टिंग गाइड्स द इम्प्लॉय टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल मैंने अभी बोला डायरेक्शन में या डायरेक्टिंग में हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग में हम अगर एक वर्ड अपने एम्प्लॉयज को बोल दें यू कैन डू इट आई ट्रस्ट अपॉन यू दैट इज अ मोटिवेशन ठीक है मींस आप एम्प्लॉयज को भरोसा दिलवाते हो कि आपका उनपे ट्रस्ट है और आप उन्हें ये बताते हो कि येस यू कैन डू इट एंड फील फ्री वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू मी यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद मी एंड आई विल डेफिनेटली बी सजेस्टिंग अल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम टू यू इन दैट वे हम उनकी क्या करते हैं हेल्प करते हैं हम उनका मॉरल क्या करते हैं बूस्ट अप करते हैं Then, directing facilitates introduction of needed changes. You know, है कि changes को हमेशा हम प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन डायरेक्शन डायरेक्टिंग की हेल्प से एक लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है ग्रुप का वो लीडर अपने ग्रुप को मोटिवेट करता है कि जो भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रही है that is for our ज अगर नई मशीन आएगी तो ये डर निकाल दो आपको निकाल दिया जाएगा यू विल रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन वी विल बी गिविंग यू द ट्रेनिंग टू वर्क और हाउ टू वर्क ऑन मशीन सो नीट नॉट टू वरी सो डायरेक्टन डायरेक्टिन डायरेक्टिंग के कारण यू कैन ब्रिंग द न्यू चेंजेस इन टू यूर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन आस यूर एम्प्लॉयज टू अडेप्ट रेडिली अडेप्ट न्यू चेंजेस ठीक है वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कुछ भी नया होगा तो हम पहले प्रोटेस्ट करते हैं इसका कि हमें नहीं चाहिए ये चेंज हम ये नई चीजें कैसे सीखेंगे लेकिन डायरेक्टिंग में लीडरशिप की हेल्प से वो लीडर अपने ग्रुप को क्या करेगा लीड करेगा और ग्रुप मेंबर्स को समझाएगा कि चेंजेस को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है चेंजेस आर फॉर आर बेटरमेंट देन डायरेक्टिंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बहुत कम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे

लेकिन डायरेक्टिंग में हम वो बहुत सी एटीट्यूड रखते ही नहीं है हम उनके साथ फ्रेंडली एटमोस्फेयर में रह के काम करते हैं हम उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें देते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके जो इम्प्लॉइज है वो जॉब से सेटिस्फाई होंगे सो दे विल नेवर टू लीव द जॉब देन वी है फ्यूल और टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के लिए आ, हमारे पास डायरेक्टिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं सो लेट डिस्कस दैट प्रिंसिपल्स फर्स्ट मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या मतलब है इन तीन वर्ड्स का मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दिस थ्री वर्ड्स यस स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ये कहीं ना कहीं हमारे टेलर ने भी दिया था हाँ मतलब सिंगल पर्सन से आपने मैक्सिमम आउटपुट लेना है. और वो कैसे होगा अगर हम उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे वो तो आइडल बैठा रहेगा बेकार बैठा रहेगा हम टाइम टू टाइम उन्हें उसे क्या कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं उसका एक टीम मेंबर बना दिया है जो उसको ग्रुप को क्या करेगा लीड करेगा तो लीडर की ड्यूटी हमने लगा दी कि तूने हर बंदे से क्या लेना है काम लेना है टाइम टू टाइम उनकी काउंसिलिंग होगी तो डेफिनेटली डायरेक्टिंग ऑलवेज लीड्स टू तो मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन Uh, जैसे डायरेक्टिंग में हम लोग कई बार ये भी देख लेते हैं कि इम्प्लॉय की नेचर कैसी है अगर कुछ स्टन किस्म के एम्प्लॉय हैं तो उनके साथ हम पोलाइटली और प्यार से बात करेंगे लेकिन कुछ ऐसे इम्प्लॉयज हैं जो खुद ब खुद ही पोलाइट है मीन्स वो हमारी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं तो उनके साथ हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे यू जस्ट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इम्प्लॉयज एंड अकॉर्डिंगली यू हैंडल देम सो दैट यू कैन गेट वर्क फ्रॉम ईच एंड एवरी नेचर like, uh, तो so को जान के हम उनके साथ उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं डीलिंग करते हैं एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी इम्प्लॉयम कॉन्ट्रीब्यूशन हारमनी ऑफ ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग में हम अपने सारे एम्प्लॉज को बताते हैं कि आपने अपने इंडिविजुअल गोल्स गोल्स को साइड पे रखना है है आपने किसको फोकस करना ऑर्गेनाइजेशनल मैं हमेशा जब फ्यूल के प्रिंसिपल करवाती हूँ तो मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फ्यूल का प्रिंसिपल है ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ठीक है वहां पे मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलती हूँ अपनी खिचड़ी अलग अलग नहीं पकानी अपनी डफरी अपना राग नहीं बजाना मीन्स यू हैव टू फोकस इन अ सेम डायरेक्शन सभी ने एक ही दिशा में चलना है और किस दिशा में चलना है जैसे आपका मैनेजर बताएगा मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे आपने उसको क्या करना है फोकस करना है इंडिविजुअल गोल्स अपने पर्सनल गोल्स को साइड पे रखना है बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर बींग अचीव लाइक प्रॉफिट पे जाती है आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली आपके इंडिविजुअल गोल भी अचीव होंगे आपको बोनस भी मिलेगा आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी ठीक है सो दिस इज वॉट वी कॉल हार ऑफ ऑब्जेक्टिव अगला सबको आता है यूनिटी ऑफ कमांड सेम है सिंगल सिंगल बॉस सिंगल इंप्लॉय एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस क्या करेगा ऑर्डर करेगा मिस डायरेक्शन देगा ठीक देन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक मैंने अभी बताया सबकी नेचर सेम नहीं है कईयों को आप मोटिवेट कर सकते हैं पैसे का लालच देके जैसे हम उन्हें बोलेंगे अगर आप काम सही नहीं करोगे तो आपकी एक दिन की सैलरी कटेगी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लेट आओगे तो हाफ डे की सैलरी कटेगी ठीक है ये उन बंदों के लिए जिनके लिए मनी इंपॉर्टेंट है और कई बंदे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा है बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं सुपर रिच क्लास को बिलोंग करते हैं लेकिन दे वॉन्ट नेम एंड फेम इन द सोसाइटी आप उनको अलग से कैबिन दे देते हो कैबिन के बाद उनकी नेम प्लेट लगा देते हो सो दे गेट सेटिस्फाइड सो एवरी टाइम द सेम टेक्निक विल नॉट बी यूजफुल टू मोटिवेट और टू डायरेक्ट द एवरी इंडिविजुअल आपको हर इंडिविजुअल की नेचर को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए डिफरेंट डायरेक्शन टेक्निक्स क्या करनी है यूज करनी है मेरे वाली एग्जांपल ही दी है फॉर एग्जाम्पल फॉर समीपल मनी कैन एक्ट एज अ पारोटिवेटर वाइट फॉर अदर्स वैसे तो प्रमोशन के कारण भी क्या होना है पैसा ही बढ़ना है लेकिन प्रमोशन के कारण नेम और फेम भी तो बढ़ेगा कहीं आप असिस्टेंट मैनेजर थे और अब आप, आप कंपनी के सीईओ बना दिए गए हो बिकॉज यू आर पैशनेट हमने आपकी वो क्या बोलते हैं किक को पहचान लिया कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उस पर्सन को मोटिवेट किया हमने उस बंदे को कंपनी का सीईओ बना दिया तो उसने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया विद ग्रेट एफर्ट्स सो यू जस्ट हैव टू सी कि हाउ द इंडिविजुअल्स बिहेव उनका लाइफ में पर्सनल मोटिव क्या है जब आप उसको पहचान लेते हो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डायरेक्शन टेक्निक्स यूज करते हो मैनेजीरियल कॉम्युनिकेशन इफ आई एम टॉकिंग इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज और इन हाई फाई इंग्लिश

हमारे इंप्लॉयज तो जब आपने इंप्लॉय से बात करनी है आपने उनकी लैंग्वेज में बात करनी है इफ दे डोट अंडरस्टैंड इंग्लिश डोंट यूज इंग्लिश विदेम ठीक है पंजाब में रह रहे हैं अगर उन्हें पंजाबी अच्छी तरह से समझ आती है तो यू हैव टू टॉक टू देम इन पंजाबी बिकॉज अल्टीमेटली हमने उन तक अपनी बात पहुंचानी है सो कॉम्युनिकेशन शुड ऑलवेज भी इफेक्टिव यू नो कॉम्युनिकेशन कम्प्लीट कैसे होता है हाउ द कॉम्युनिकेशन गेट कम्प्लीटेड अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में करना है कॉम्युनिकेशन एक अच्छा और इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन क्या है मैं बोले जा रही हूँ सुनना सुन कोई राय ही नहीं और बीच में रुक के मैं पूछती हूँ आई यू गेटिंग एंड इफ यू नो वन इज रिप्लाइंग इट मीन की माई कॉम्युनिकेशन इज नॉट कम्प्लीटेड बिकॉज दीचिंग यू द वे आई एम टेलिंग यू यू आर नॉट गेटिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग विल योर डायरेक्शन इन दैट केस बी कंप्लीटेड नो उन्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आई हाँ भाई आप उन्हें क्या समझा रहे हैं आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग सो व्हाई नॉट टू टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज ठीक है सो दैट वी कैन हैव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन में हमेशा अपना बॉसी एटीट्यूड नहीं रखो फ्रेंडली एटमोस्फेयर होना चाहिए

जस्ट असेंबल एंड दे जस्ट सेलिब्रेटरेंट इवेंट एंड डेज इन ऑर्गेनाइजेशन उस केस में जब फ्रेंडली एटमोस्फेयर हो जाता है और वर्किंग आर्ट्स के अलावा भी आप आपस में मिलते जुलते हैं तो बहुत अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट होने के कारण आप अपने बॉस के साथ एक फ्रेंडली मतलब तो टू सम एक्सटेंड इट शुड नॉट भी आपस में जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो आप नहीं मेनटेन कर रहे हो यू आर मेंस बट इवन देन यू आर फ्रेंडली विद योर एम्प्लॉज ठीक है तो कुछ इस तरह से भी मतलब कई बार क्या होता है इम्प्लॉयज uh, की ये सोच रहती है ये तो बड़ा अकड़ू सा है ये तो हमेशा गुस्से में ही रहता है हमारी बात सुनता ही नहीं है आपने वो सारी सोच अपने एम्प्लॉयज की बदलनी है एंड यू नीड टू बी फ्रेंडली टू देम एंड इन केस यू आर फ्रेंडली विद विदेम इट मीनस की यू आर यूजिंग वॉट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देन लीडरशिप हमने वैसे अलग से करना है लीडरशिप का मतलब क्या होता है वेन देयर इज अ ग्रुप और उस ग्रुप का एक क्या है लीडर है लीडर वो बंदा होता है जिसकी बात सारे बंदे मानते और सुनते हैं तो डायरेक्शन का ये प्रिंसिपल है कि एक अच्छा मैनेजर वही होगा जो अच्छा लीडर है अगर मैं बोलू ऑल द गुड मैनेजर्स शुड ऑलवेज बी द गुड लीडर्स बट वाइस ऑफ नॉट देर वेल ऑल द गुड मैनेजर्स बट इट इज नॉट असेंशियल गुड लीडर्स क्योंकि गुड लीडर्स तो मेरे पॉलिटिशियंस भी होते हैं जरूर थोड़ा ना वो मैनेजर होंगे लेकिन एक अच्छा मैनेजर वही है जो लीडर अच्छा है आप इस बात से मानते हो ना तो लीडरशिप में जाके हम ये क्वेश्चन भी करेंगे ऑल द मैनेजर शुड बी गुड लीडर्स बट इट इज नॉट असेंशियल शुड बी द मैनेजर्स ठीक है तो डायरेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आपको एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज अटेन करनी है आपको अपने ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखना है उस ग्रुप के सारे मेंबर्स आपकी बात को सुनते भी हैं और आपकी बात को मानते भी हैं सो दिस इज व्हाट वी कॉल लीडरशिप का प्रिंसिपल भी होना चाहिए फॉलो थ्रू आपने अपने को इतनी इंस्ट्रक्शन दी आपने उन्हें इतनी गाइडेंस दी आपने उन्हें इतने डूज और डू नोट बताए डूज और डू नोट होता है क्या करना है और क्या नहीं करना आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू चेक आर दे डूइंग द वर्क एज पर योर एक्सपेक्टेशन दैट इज फॉलो थ्रू जैसे फॉलो अप होता था ना प्लानिंग में ठीक है तो फॉलो थ्रू जरूर लेना है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने इतना टाइम उनपे स्पेंड किया आपने फ्रेंडली एटमोस्फेयर भी क्रिएट किया आपने उनकी हर बात मानी क्या वो आपके कहे के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं यू हैव टू टेक द फॉलो थ्रू विच इज द एथ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग नाउ ही इज कमिंग एट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमने करना नहीं है सो स्ट्रेट वे वी आर कमिंग टू लीडरशिप लीडरशिप में मेरे पास क्योंकि मेरे को लगता है अच्छा लीडरशिप दिस इज ओल्ड बुक विद मी तो लीडरशिप के स्टाइल्स भी हैं हमारी इस बुक में पहले वो मोटिवेशन कर रहा है तो फिर मैं कल लेके आऊंगी लाइब्रेरी में से दूसरी बुक अभी मैं मोटिवेशन ही स्टार्ट करूंगी सो आई एम कवरिंग दिस टॉपिक मोटिवेशन लीडरशिप आपके पास न्यू एडिशन है लीडरशिप है इसमें हाँ तो मेरे पास नहीं है इस बुक में लीडरशिप दैट आई विल टेल यू अच्छा पहले मोटिवेशन है उसके बाद लीडरशिप है मैंने पहले लीडरशिप लिखा

मोटिवेशन आम भाषा में हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार वर्ड यूज करते हैं मोटिवेशन लेकिन व्हाट एक्चुअली मोटिवेशन इज मैं एक वर्ड यूज करूंगी टू तो स्टिमुलेट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज और टू मेक देम फोकस इन देयर लाइफ और टू क्रिएट पॉजिटिविटी अमंग देम दैट इज व्हाट मोटिवेशन टू बूस्टिंग अप देयर मॉरल दैट इज वॉट मोटिवेशन ठीक है उनके बिहेवियर को स्टिमुलेट करना और स्टिमुलेशन ऐसे करनी और उन्हें बोलना कि यस यू कैन डू इट दिस इज व्हाट मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन है ये यू कैन डू इट अगर मैं किसी नलायक बच्चे को क्लास में बोलती हूँ तेरा तो ऐसा ही हाल रहना तूने इस बार भी फेल हो जाना है वो नेगेटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन ऑल्सो वर्क मेरे को मेरे टीचर ने बोल दिया कि तूने इस बार भी फेल हो जाना मैं उसे पास होकर दिखाऊंगा पर कई बार नेगेटिव मोटिवेशन गलत भी काम कर सकती है कि इनको तो मेरे पे भरोसा नहीं है पेरेंट्स भी घर में कहते रहते हैं तू पढ़ता नहीं है तूने कुछ करना नहीं है बिल्कुल निकम टीचर्स भी यही कहते रहते हैं चलो मैं इनको यही करके दिखाता हूँ तो नेगेटिव मोटिवेशन मोटिवेशन के दोनों पहलू रहते हैं लेकिन पॉजिटिव ऑलवेज तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाइज की नेचर को ढूंढना है और नेचर के अकॉर्डिंग यू विल बी यूजिंग द डिफरेंट मोटिवेशन टेक्निक्स टू देम ठीक है इनर स्टेट ऑफ माइंड मैं बोलती हूँ और स्टडी द इनर स्टेट ऑफ माइंड मींस मेरे एम्प्लॉइज के मन में क्या चल रहा है कई बार क्या होता है कि लाइक ऑन योर फेस एंड व्हेन यू सिट इन द ग्रुप यू ऑलवेज लॉफ यू ऑलवेज गॉसिप लाइक बाकी लोगों को लगता है कि यस इसकी फैमिली में बहुत ही अच्छा माहौल होगा ही इज हैविंग अ वेरी हैप्पी फैमिली बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता क्योंकि उस केस में पर्सनालिटी है ऑन फेस आप कुछ और लगते हो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और जब मैं कहती हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द इनर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आर इज इट पॉसिबल फॉर अस नो सो एज अ मैनेजर ही ऑलवेज रिकमेंड यू नीड टू बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट एज वेल आपको बंदे की साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए या समझने की कोशिश करनी चाहिए एंड दैट ओनली यू कैन लर्न विद योर एक्सपीरियंस ठीक है तो हमारे पास इस टॉपिक के अंडर एक मासलो की मास्लोइा सिकोलोजिस्ट जिसने एक हमें थेरी दी है दैट थेरी कॉल नीट हेरारिकल थेरी ऑफ मोटिवेशन थेरी ऑफ मोटिवेशन है एच मास्लो है ना नाम इब्राहिम नाम लिखा हुआ है एन नहीं एच होगा क्या नाम है इब्राहिम है ही मास लिखे सा ग्रेट साइकोलॉजिस्ट इसने बोला है कि बंदों को मोटिवेट करने के लिए आप उनका लाइफस्टाइल जरूर जज करो और उनकी लाइफ में कौन कौन सी जरूरतें पूरी नहीं हुई वो जानने की कोशिश करो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ एक एम्प्लॉय है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत ही गरीब फैमिली से आता है जिसकी रोटी कपड़ा और मकान की भी जरूरतें पूरी नहीं है रेंटेड होम में रहता है फैमिली को दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है एंड ही इज द ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली डन इट मीन की उस केस में उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई तो इस बंदे को अगर आप बोल दोगे कल को तू तो अगर लेट आएगा तो तेरी सैलरी कटेगी ही विल बिकम रेगुलर क्योंकि इसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है ठीक है तो मासको कहता है अगर आपकी लाइफ की कुछ नीड्स पूरी नहीं हुई आप उन्हें ही मुद्दा बनाओ और उस नीड्स को पहचानने की कोशिश करो कि मेरे एम्प्लॉय की कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है अनसेटिस्फाइड नीड कैन बिकम अ गुड मोटिवेटर आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी रहती है आप हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हो ना सिंपल सा फंडा ये है सो फॉर दैट यू नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट यू नीड टू बी अ गुड रीडर फेस रीडर ताकि आपको बात समझ आ जाए कि एक्चुअल इसकी फैमिली में क्या चल रहा है इसके मन में क्या चल रहा है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मोटिवेट दैट पर्सन इन अ राइट मैनर इन एन अप्रोपरेट मैनर सो अबाउट दिस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन लेट्स सी दैट मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और एंडूसमेंट टू एक्ट और मूव मीन्स हम अपने एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय को खुश करने की कोशिश करते हैं कि वो काम करे जैसा हम बोल रहे हैं करने को इंसाइटमेंट और एंडूसमेंट टू एक्ट टू मूव ताकि वो जमा ना रहे एक जगह पे ताकि वो आइडियल ना बैठा रहे बेकार ना बैठा रहे ही शुड मूव इन अड्ड डायरेक्शन जिस तरफ हमने उसे चलने को बोला है वो वो काम करे उसके मूवमेंट को हम इंश्योर करते हैं दिस इज वॉट वी कॉल मोटिवेशन इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबोर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल गोल मोटिवेशन की हेल्प से हम अपने हर इम्प्लॉइज को इंड्यूस करते हैं उसे बताते हैं कि आपको क्या करना है ठीक है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए यथा मोटिवेशन के बारे में और ज्यादा पढ़ने से पहले आपको तीन वर्ड्स पता होने चाहिए इस चैप्टर के वन इज मोटिव ये वर्ड सुना हुआ है आपने बहुत बार मोटिव सेकेंड वर्ड इज मोटिवेशन एंड थर्ड वर्ड इज मोटिवेटर्स आपको लगता है कि तीनों सेम है कि अलग अलग है Motivators. क्या है मोटिव क्या आम भाषा में या एक ले के लिए मोटिव का मतलब है ना कई वो मोटिव दबा के रखते हैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और कई छोटी क्लासेस में अगर टीचर ने पूछा इज योर एम ऑफ लाइफ आई वांट टू बी डॉक्टर ठीक है मोटिव आमतौर पे दबे रहते हैं आप कई बार यू फील शायर थ अदर पर्सन दैट इज मोटिव सिंपल एक लैंग्वेज में बाद में देखते हैं मोटिवेशन है? तो मैंने बताई दू इंडिजायडन है जिस तरफ हम उसे मूव करने को बोलते हैं हमने उसे समझाना है कि आपने इस तरफ ही चलना है आपने ये ही करना है वट इज द मोटिवेटर्स मोटिवेटर्स आर द टूल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मोटिवेट अदर पर्सन सम्स टूल कैन बी द मनी इंक्रीज इन दैलरी आप उसे बोलेंगे तू ये मेरे को काम करके दिखा दे मैं तेरी रिकमेंडेशन टॉप मैनेजमेंट को करूंगा और, और कई बार आप कहते हो अगर तू टाइम हो गया लगातार वो भी तो मोटिवेटर है पर वो नेगेटिव मोटिवेटर है ठीक है तो वेन यू यूज और टूल्स टू मोटिवेट और टू पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट टूल्स और टेक्निक्स वी कॉल मोटिवेटर ठीक है अब तीनों वर्ड्स आपके बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है वही है मोटिव का मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैंने बोला ना समटाइम्स यू नेवर शेयर इट विद अदर्स लाइक हर बंदे की ख्वाहिश है इंटरनली ख्वाहिश रहती है एक बड़ा सा घर मेरा हो बंगला हो मेरे पास बड़ी गाड़ी हो नौकर आस पास घूमे दिस इज मोटिव एंड समटाइम्स यू शेयर इट विद अदर पर्सन एंड समटाइम्स यू जस्ट हाइड इट इन योर इनर माइंड तो जो गोल्स आपकी लाइफ के हैं लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हो वो आपके मोटिव है ठीक है आपने एज अ मैनेजर अपने हर एम्प्लॉय के मोटिव ढूंढने की कोशिश करनी है ताकि आपको पता चल जाए वो लाइफ में क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश करोगे कि तूने कहा था ना कि एक दिन मेरा घर बड़ा हो मेरे पास बड़ी गाड़ी हो तो फॉर दैट एट प्रेजेंट यू नीड टू वर्क हार्ड सो दिस इज वॉट वी कॉल मोटिव ठीक है देखो जरा क्या लिखा अ मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस

एम आप आमतौर पे दूसरों को बता देते हो मोटिव आप अपने दिमाग में ही सोच के रखते हो कि यस मेरे को ये करके दिखाना है ठीक है मेरे को ये अपनी लाइफ में अचीव करना है बट यू जस्ट फील एंड एंड हेजिटेट यू नेवर शेयर दिस मोटिव विद एल्स देन मोटिवेशन मैंने आपको बता ही दिया इसने एक वर्ड पूरे चैप्टर में यूज किया है मतलब जब इसने मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टीमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग मीन्स प्रेशराइजिंग मीन्स पुशिंग द एम्प्लॉइज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब मतलब होता है ना कई बार एक नहीं बोलेगा मैं नहीं करूंगा push, कि पीछे, से कोई उन्हें ले, लगाए, कि पीछे से कोई उन्हें बूस्ट करता रहे तो वो ये काम करते हैं ठीक है सो मोटिवेशन के प्रोसेस में वी आर स्टिमुलेटिंग अदर्स टू डू पर्टिकुलर जॉब मोटिवेटर मैंने बता ही दिया आपको टेक्निक है ठीक है जिसकी हेल्प से मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं वो टेक्निक आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है वो बोनस की अनाउंसमेंट हो सकती है वो आपकी प्रमोशन हो सकती है वो रेकेग्निशन रेकेग्निशन क्या एंट्रेंस गेट के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा इंप्लॉय ऑफ द मंथ इम्प्लॉय ऑफ द वीक मतलब जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके नाम जब आपने डिस्प्ले कर दिया दिस इज ऑल्सो मोटिवेटर वेन वी आर डिस्प्लेंग नाम ऑफ द टॉपर्स ऑन दिस रैंक बोर्ड दिस इज मोटिवेटर ठीक है दैट विल बी इंस्पायरिंग द अदर स्टूडेंट्स आल्सो यस इफ दी स्टूडेंट कैन गेट दिस मच स्कोर वाय नोट बी सो सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन जो इम्प्लॉज ऑफ द वीक है उसको टी शर्ट प्रिंट करवा के दे दी उसके बैक पे लिख दिया इम्प्लॉज ऑफ द वीक इम्प्लॉय ऑफ द मंथ सो डेफिनेटिंग इट दिस इज वॉट वी कॉल रेकेगनेशन सो अब दीज टेक्निक्स वी विल बी रीडिंग इन अंडर मोटिवेशन डन सो दिस इज इनफ फॉर टूडे कल ये वाला करवाने से पहले आई विल बी कंप्लीट इन योर सेलेक्शन प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसेस